हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ए पार्ट। 20 एंड 28, आपको इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम फैक्टर फाइंड करेंगे 20 के अलग और 28 के अलग। सो फैक्टर ऑफ 20। अब देखो 20 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, मतलब 20 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाता है। 1 से, 2 से, 4 से हो जाता है, 5 से भी, 10 से भी हो जाता है और 20 से भी होता है। तो ये वो नंबर है जिन जिनसे 20 डिवाइड होता है, तो इनको बोलते हैं फैक्टर्स। ऐसे ही फैक्टर निकालते हैं ऑफ 28। अब 28 किस किन नंबर से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से भी, 7 से, और 14 और 28। तो इन नंबरों से डिवाइड होता है 28, ठीक है। अब मुझे निकालना है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, वो नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे देखो, 1 यहां पर भी डिवाइड कर रहा है तो 1 आ गया, 2 यहां पर भी डिवाइड करता है, यहां पर भी 2 भी हो गया कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट 4 यहां पर भी है और यहां पर भी, 4 दोनों को डिवाइड करता है। तो ये केवल 3 नंबर हैं जो कि क्या है, इनके कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, बी पार्ट। 15 एंड 25, ठीक है, 15 एंड 25, इन दोनों के आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले इनके फैक्टर फाइंड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और नेक्स्ट 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 25। तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा और 25 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहां पर कॉमन फैक्टर्स। तो देखो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या जो दोनों के ही फैक्टर में आते हैं उनको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 1 आ गया कॉमन फैक्टर। 3 नहीं है, 3 यहां पर है, यहां नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 5, 5 यहां पर है, यहां पर भी है, ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। यहां 15 है और यहां पर नहीं है, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर नहीं है। तो केवल कितने कॉमन फैक्टर हैं, 2 ही, 1 और 5। सी पार्ट देखते हैं इसका, 35 एंड 50, 35 एंड 50। तो हम निकालेंगे यहां पर फैक्टर्स ऑफ 35। 35 को कौन कौन नंबर डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, नेक्स्ट 7 भी, और फिर 35। इसके बाद निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 50। 50 को 1 डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड कर देगा, फिर 5, उसके बाद 10 डिवाइड करेगा, नेक्स्ट 25 और फिर 50। इसके बाद हम निकालते हैं इनके कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन है, 1 कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन है और बस 2 ही नंबर कॉमन है इनमें, ठीक है, 1 और 5। तो 1 और 5 क्या कहलाएंगे, इनके कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट देखो, डी पार्ट। 56 एंड 120। तो इन 56 के फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर्स
ऑफ 56, 56 किससे डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 4 से भी, 7 से भी, 8, 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, 28 से भी और 56 से भी। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं फैक्टर्स ऑफ 120, तो 120 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी होगा डिवाइड, 6 से, 8 से, 10, 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी, 120 डिवाइड होता है, 24 से भी, 30 से भी डिवाइड होगा, 60 से भी डिवाइड होगा और 120 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। दोनों में कॉमन, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4, इसके बाद 8 कॉमन है दोनों में, और नेक्स्ट केवल यही नंबर है। ठीक है, तो ये 4 कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। अब अभी हमने दो दो नंबरों के कॉमन फैक्टर निकाले, इस बार हम 3 नंबरों के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो पार्ट ए देखते हैं इसका, 4, 8 एंड 12, इन 3 नंबरों का हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 4, हम 4 के फैक्टर निकालते हैं, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी, 4 से भी। इसके बाद निकालते हैं फैक्टर ऑफ 8, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 4 से और 8 से भी हो जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 12, तो ये नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, 4 से, 6 से भी डिवाइड है और 12 से भी डिवाइड है। अब यहां निकालना है हमें कॉमन फैक्टर। तीनों में कॉमन क्या है, 1, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। ठीक है, तो 1, 2, 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। ठीक है, तो ये मेरा आंसर। इसका बी पार्ट देखते हैं, फाइव, 15 एंड 25 के लिए, 5, 15 एंड 25, तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 5, 1 और 5। इसके बाद निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 15, इसके फैक्टर होंगे 1, 3 और 5। नेक्स्ट निकालते हैं फैक्टर्स, और 15 भी होगा, फैक्टर्स ऑफ 25, 1, 5 और 25। ठीक है, अब तीनों में निकालते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। तीनों में 1 कॉमन है, तीनों में 5 कॉमन है, तो केवल 1 और 5 क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहता है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब आपको कॉमन, जैसे इनमें आपने कॉमन फैक्टर निकाला था, इसी तरह से कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, वो भी फर्स्ट 3।
स्टार्टिंग के तीन कॉमन मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट देखते हैं, सिक्स एंड एट, सिक्स और एट के तीन कॉमन मल्टीपल बताने हैं मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ सिक्स, तो सिक्स के मल्टीपल क्या होंगे, सिक्स, ट्वेल्व, मल्टीपल मतलब हम टेबल टेबल लिख देंगे यहां पर सिक्स का, एटीन, ट्वेंटी फोर, थर्टी, थर्टी सिक्स, फोर्टी टू और फोर्टी एट, फिफ्टी फोर, सिक्सटी, सेवेंटी टू, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से मल्टीपल ऑफ एट हम फाइंड कर लेते हैं, एट के मल्टीपल। तो पहला होगा एट, सिक्सटीन, ट्वेंटी फोर, थर्टी टू, फोर्टी, फोर्टी एट, फिफ्टी सिक्स, सिक्सटी फोर, सेवेंटी टू एंड सो ऑन। अब देखो मुझे स्टार्टिंग के थ्री निकालने हैं मल्टीपल जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स। देखो फर्स्ट क्या है मेरा, ट्वेंटी फोर, यहां ट्वेंटी फोर है, यहां भी ट्वेंटी फोर है, तो यानी कि दोनों में ट्वेंटी फोर कॉमन हो गया पहला मल्टीपल। दूसरा क्या होगा, फोर्टी एट, दोनों में 48 कॉमन है, ये दूसरा मल्टीपल हो गया। थर्ड देखते हैं, 72, थर्ड आ गया हमारा 72, तो ये स्टार्टिंग से तीन कॉमन मल्टीपल हैं 6 और 8 के। बी पार्ट देखते हैं इसका, 12 एंड 18। अब मुझे निकालना है कौन मल्टीपल 12 और 18 के, ठीक है। तो हम निकालते हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72 और 84, 96, नेक्स्ट 108 और फिर 120, 132 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से निकालते हैं मल्टीपल्स ऑफ 18, 18 के मल्टीपल निकाल लेते हैं यहाँ पर, 18, 36, 54, 72, 90, 108 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 36 कॉमन है फर्स्ट नंबर, सेकंड 72, थर्ड 108, तो ये क्या है, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, आपको वो सभी नंबर लिखने हैं जो कि 100 से कम है और कॉमन मल्टीपल है 3 और 4 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यानी कि हम निकालेंगे यहां पर पहले मल्टीपल्स
ऑफ थ्री, तो थ्री ओ सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी थर्टी थ्री थर्टी सिक्स थर्टी नाइन फोर्टी टू फोर्टी फाइव फोर्टी एट फिफ्टी वन फिफ्टी फोर फिफ्टी सेवन सिक्सटी सिक्सटी थ्री सिक्सटी सिक्स सिक्सटी नाइन सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव सेवेंटी एट एट्टी वन एट्टी फोर एट्टी सेवन नाइन्टी नाइन्टी थ्री नाइन्टी सिक्स नाइन्टी नाइन और उसके बाद है 102, लेकिन हम 102 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 100 से लेस लेने हैं। ठीक है, हम निकालते हैं मल्टीपल ऑफ 4। 4 के लिए मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 12, सॉरी स्टार्टिंग से 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100। ठीक है, अब मुझे निकालना है कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है फर्स्ट, ठीक है, फिर 24, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 48, फिर 60 है, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट 84 और फिर 96। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गया आपके? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। ठीक है, तो दीज आर द मल्टी कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, जो कि लेस देन किससे है? 100 से। लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं कि दो नंबरों का एचसीएफ, अगर एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू वन आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ जाए वन आए, यानी कि वे दोनों नंबर केवल वन से ही डिवाइड हो, कॉमन नंबर जो आए, ठीक है, दोनों का कॉमन जो फैक्टर होगा केवल वन हो, कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? वन, दो नंबरों का, तो हम उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आपको यहां पर चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। फाइव का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए 18 एंड 35, 18 एंड 35, तो सबसे पहले इनके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 18, तो 1 होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 18, 3 से भी, 6, 9 और फिर 18, इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 35 फाइंड कर लेते हैं,
35 वन से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी, 7 से भी और 35 से भी डिवाइड हो जाता है। अब यहां निकालते हैं हम कॉमन फैक्टर्स, 1 कॉमन आ रहा है दोनों में और केवल 1 ही कॉमन आ रहा है, दोनों में केवल 1 कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर्स, दैट इज 1 है, तो देयरफॉर दे आर को प्राइम। ठीक है, इसलिए क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। बी पार्ट देखते हैं इसका, फिफ्टीन एंड 37, तो फैक्टर निकालते हैं ऑफ 15, 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 15। फैक्टर्स ऑफ 37, इसके फैक्टर होंगे केवल 1 और 37। यहां निकालते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अगर हम निकालें केवल 1 ही कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, को प्राइम नंबर्स, दे आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं इसका, 13 एंड 415, ठीक है। तो फैक्टर निकालते हैं 30 के, फैक्टर्स ऑफ 30, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3, 5, 6, फिर 10 भी है और 15 और नेक्स्ट 30, ठीक है। निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 415, तो 415 1 से भी, 5 से भी डिविजिबल है, इसके बाद 83 से भी डिवाइड हो जाएगा और 415 से भी, ठीक है। बीच में भी नंबरों से डिविजिबल है, तो हम केवल हमने दो चेक कर लिए, दो फैक्टर निकाल लिए, क्योंकि दो नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो इसके सभी फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। कॉमन फैक्टर है केवल 1 और 5, देखो 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, ठीक है। 1 और 5 कॉमन है, यानी कि एक से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। 1 अगर 1 फैक्टर आएगा तो ही हम इसको को प्राइम बोलेंगे, अगर 1 फैक्टर नहीं आएगा तो हम उसको को प्राइम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दे आर नॉट को प्राइम। तो को प्राइम नंबर होने के लिए केवल कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए, ठीक है। 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, 17 एंड 68, तो फैक्टर्स ऑफ 17, 1 से डिवाइड हो जाएगा और 17 से, फैक्टर्स ऑफ 68, अब 68 देखते हैं किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से भी डिवाइड, 4 से भी डिवाइड और
17 से भी डिवाइड होता है, 34 से भी और 68 से भी। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स, तो देखो 1 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर और 17 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, दे आर नॉट कोप्राइम, ये भी कोप्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ई पार्ट देखिए, 216 एंड 215। ठीक है, अब इनको चेक करना है, तो यहां निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 216 के लिए फैक्टर निकालते हैं। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 3 से, 4 से भी है डिविजन, ये 6 से भी है, 8 से भी, 36 से भी डिविजन है, 72 से भी डिविजन है, और 108 और 216 से भी डिविजन। इसी तरह से निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 215, तो 215 1 से डिविजन होगा, इसके बाद 5 से, नेक्स्ट 43 और नेक्स्ट 215। ठीक है, अब इसके कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो दोनों में केवल 1 ही कॉमन आ रहा है, दोनों में केवल 1 ही कॉमन है, इसका मतलब दे आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, दे आर कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट देखते हैं एफ पार्ट, 81 एंड 16। अब देखिए 81 और 61 के लिए फैक्टर निकालते, पहले फैक्टर्स ऑफ 81 के फैक्टर होंगे 1, 3, 9, 27 और 81। फैक्टर्स ऑफ 16, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 4, 8 और 16 से भी। अब यहां निकालते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, केवल 1 ही कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, दे आर कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्या कहता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर है जो कि 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अब आपको बताना है कि इनके अलावा एक ऐसा नंबर जिससे वो हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए नंबर विल बी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल देंगे 5 और 12 की, ये कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो आपको यही बताना था कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल, डिविजिबल बाय 60, तो वो नंबर हमेशा 60 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12
बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। एक नंबर है जो कि 12 से डिवाइड हो रहा है, आपको बताना है अदर किन किन नंबरों से वो नंबर डिविजिबल होगा। तो यहां पर हम निकालेंगे सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो इसका मतलब नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा किससे, इन सभी नंबरों से डिविजिबल होगा। देयरफॉर नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4 and 6। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 12 के अलावा वो किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो हमने क्या किया यहां पर, इसके फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।